दोस्तों अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन हैं और आईपीएल 2019 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो आप अभी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। आई होप आप इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स देंगे। दोस्तों हर बार की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस बार भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। काफी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, काफी वर्सेटाइल इनका बॉलिंग लाइनअप है, यानी ओवरऑल टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेस है, और अंत में हम ये देखेंगे कि क्या ये टीम आईपीएल 2019 का टाइटल जीत पाती है या नहीं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, पहली स्ट्रेंथ इनकी ये है कि डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स हैं इनके पास, और आईपीएल 2019 के ऑक्शन के दौरान इन्होंने सिमरन हेटमेयर और हेनरिच कैलासेन को भी अपनी टीम में शामिल किया है, तो काफी एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स है। साथ ही साथ हेटमेयर जैसे विस्फोटक डिस्ट्रक्टिव यंग टैलेंटेड ओपनर भी हैं। दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनका सॉलिड बैटिंग लाइनअप है। ये दो ओपनर तो शानदार खेलने वाले हैं, पार्थ पटेल, सिमरन हेटमेयर, और इनका जो बैटिंग लाइनअप है नीचे मिडिल ऑर्डर में बात की जाए तो विराट कोहली, एवी डिविलियर्स खेलने वाले हैं। इनके बाद शिवम दुबे, कॉलेंडी ग्रैंड होम, ये सभी खेलने वाले हैं। तो सॉलिड बैटिंग लाइनअप है, काफी डीप इनका बैटिंग लाइनअप है। तीसरी स्ट्रेंथ इनकी ये है कि टॉप क्लास इनके ऑलराउंडर्स हैं, साथ ही साथ ये सभी ऑलराउंडर्स ओवरसीज प्लेयर्स हैं। मार्कस स्टॉइनिस, कॉलेंडी ग्रैंड होम, मोइन अली, नेथन कुल्टरनाइल, ये सभी टॉप क्लास इनके ऑलराउंडर्स हैं। और खास बात यह है कि ये सभी ओवरसीज हैं, साथ ही साथ इन्होंने यंग टैलेंटेड अनकैप्ड प्लेयर शिवम दुबे को भी अपनी टीम में शामिल किया है। और सबसे अच्छी बात आरसीबी की टीम के लिए इस बार ये है कि इनका वर्सेटाइल बॉलिंग लाइनअप है, जैसा इस सीजन से पहले आरसीबी की टीम में कभी भी देखने को नहीं मिला है। वर्सेटाइल इनका बॉलिंग लाइनअप है, टिम साउदी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, कॉलेंडी ग्रैंड होम, मोइन अली, नेथन कुल्टरनाइल, मार्कस स्टॉइनिस, युजवेंद्र चहल, यानी जितने भी बॉलर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, सभी यहां से अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और सभी के पास अपना वेरिएशन है। तो दोस्तों ये तो रही स्ट्रेंथ, अब हम वीकनेस की बात करते हैं। तो मैं सच बताऊं तो इस टीम में मुझे वीकनेस तो नजर नहीं आई, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। तो इनके में बीच में एक कमी है, गैप है, वह लोअर मिडिल ऑर्डर में इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन नहीं है। इंडियन की बात की जाए तो विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, ये खेलने वाले हैं। इनके बाद कोई भी इंडियन एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हमें सामने नजर नहीं आ रहा है। दूसरी कमजोरी है वो ये है कि युजवेंद्र चहल, मोइन अली के अलावा कोई भी और अच्छा स्पिनर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वाशिंगटन सुंदर टीम में जरूर है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड की कमी है। तो दोस्तों ये तो रही आरसीबी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आरसीबी की टीम आईपीएल 2019 का टाइटल जीतने वाली है और नहीं जीतने वाली है, तो कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।